नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तोमर डी। दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए जब कभी कोई मार्केट में जाता है गाड़ी खरीदने के लिए या फिर सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग लूट जाते हैं, बर्बाद भी हो जाते हैं। क्यों यार, गाड़ी खरीद तो ली लेकिन उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम जो है दोस्तों आ जाती है। क्यों, कभी किसी का इंजन खराब है, कभी किसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ एक छोटा सा सोल्यूशन है दोस्तों। मैं पहली बात बता दूं कि मैं किसी तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट कार्स 24 का नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पूरी वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि आप अगर नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना फायदा जो है वो नहीं होने दे रहे हैं। अगर आप एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जा रहे हैं दोस्तों, अभी तक हमें पता है कि सेकंड हैंड गाड़ियां मार्केट में मिलती हैं या फिर आपके टू वैल्यूज में मिलती हैं, लेकिन सर्टिफाइड कार जो है वो कार्स 24 पे भी आप खरीद सकते हैं। और खरीद कैसे सकते हैं दोस्तों, उसके अंदर आपको हर एक छोटी से छोटी चीज जो है वो पूरी चेक करके आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ही बता दी जाती है कि भाई दोस्तों इस गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम है, अगर आप इस गाड़ी को लेंगे तो आपको ये काम कराना पड़ सकता है, अगर आप इस गाड़ी को लेंगे तो इसके अंदर ये काम कराना पड़ सकता है। बिना कहीं गए, बिना कुछ चेक किए आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, बिना मैकेनिक को दिखाए आपके पास में इंफॉर्मेशन आ जाती है। चलिए देर नहीं करते और सीधे वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन है आपके मोबाइल पर, यानी कि आप अपनी स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, हम जाएंगे सीधा प्ले स्टोर पर और जल्दी से जल्दी काम को खत्म करते हैं, और क्योंकि मुझे आपको एप्लीकेशन भी बतानी है। यहां पर ऊपर जाकर सर्च करेंगे कार्स 24 जैसे मैंने किया हुआ है, तो यहां पर कार्स 24 आ जाएगा दोस्तों। इसको क्या करना है, आपको करना है इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद में आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहां पर मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, बस आपको यह इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद में आपको करना है इसको ओपन, और ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज जो है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। दोस्तों इस पेज को खुलने के बाद में दोस्तों यहां पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी कि आप बाय खरीदना चाहते हैं कि बेचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां आ चुका बाय कार, सेल कार, और इधर मेन्यू का ऑप्शन भी जो है दोस्तों आपको मिल जाता है। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं, पहले बता दूं आपको, अगर बेचना चाहते हैं तो आप अपनी कार की जो कीमत है, क्या वैल्यूएशन वगैरह क्या निकलेगी, वो आप यहां सेल कार पर जाकर भी दे सकते हैं। अदरवाइज तो आप अगर कार खरीदना चाहते हैं और सर्टिफाइड कार खरीदना चाहते हैं तो आपको जाना है बाई कार्स पर और यहां सेलेक्ट कर लेना है इनमें से कोई भी एक चीज को। जैसे आपको, अगर आपका बजट 2 लाख तक है या फिर आपका बजट 2 से 5 लाख तक है या फिर आप कोई गाड़ी और खरीदना चाहते हैं, चलिए पहले हम इसको पैसों के हिसाब से सर्च करते हैं कि 2 से 5 लाख के आसपास हमें कौन कौन से गाड़ी मिलेंगे। आपने इसको टिक किया तो दोस्तों यहां पर आपके पास में बहुत सारे जो ऑप्शन है गाड़ियों के वो खुल जाएंगे। इसके अंदर क्या क्या चीजें देखनी होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपने मिस कर दी तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं वो आप नहीं देख पाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आ चुके हैं। अब मान लीजिए कि यार मैं इनमें से कुछ स्विफ्ट को देख रहा हूं या फिर मैं कोई दूसरी गाड़ी जो मुझे थोड़ी नई सी दिख रही है, तो उसको हम पहले सर्च कर लेते हैं गाड़ी। चलिए मान ले आपकी, हम इस हुंडई इओन एरा प्लस को ही देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमें ये गाड़ी पसंद आई और हम इसको लेना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें करना है इस गाड़ी के ऊपर टिक। टिक करने के बाद एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा जहां गाड़ी की सभी पिक्चर्स हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां सभी पिक्चर्स हैं कि आपको ये गाड़ी किस तरह की है, क्या क्या कैसी दिखती है, कहां डेंट है, कहां नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां से कुछ नहीं होता, मैं आपको कुछ ऐसी चीज भी बताऊंगा जिसके अंदर आप मतलब अचंभे में आ जाएंगे। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है नीचे, यहां बेसिकली आपकी डिटेल्स है कि मैनुअल ट्रांसमिशन है, किलोमीटर 29,000 ही चली है सर, और पेट्रोल की गाड़ी है, सीएनजी नहीं लगी है, और इंश्योरेंस भी दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव है जो 1 अगस्त 2020 तक वैलिड रहेगा। लेकिन इसमें आ जाती है दोस्तों बात इसकी, जी हाँ, अगर आप गाड़ी लें तो सबसे पहले अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर उस गाड़ी को जरूर चेक कर लें कि यहां गाड़ी की कंडीशन क्या है। जैसे मान लीजिए हम इतने सारे ऑप्शंस हैं, एक्सटीरियर कैसा है इसका, इंटीरियर, इंटरनल, मैं सीधे सीधे जाता हूं दोस्तों इंजन पे, क्योंकि मेरे लिए इंजन ज्यादा अहमियत है। 4 स्टार मिले हुए हैं तो प्रॉब्लम क्यों है, क्यों 4 स्टार मिले हैं, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां आ जाते हैं हम इस पर, तो यहां आपको दिखाई दे रहा है कि इंजन जो है वो ठीक है, ओके कंडीशन है, इंजन साउंड भी ठीक है, स्मोक भी नहीं है, और अगर जो इंजन ब्लो बाई बैक है वो भी नहीं है, इंजन माउंटिंग भी ठीक है। लेकिन यहां पर आ जाती है क्लच, क्लच पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं निशान बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क काइंड ऑफ एक तरह का सिंबल है वो, और इंजन ऑयल पर दोस्तों, और साथ में एस्टिमेटेड RFC, ये 3 चीजों पर दोस्तों जो है इन्होंने टिक किया हुआ, यानी कि इन गाड़ी के अंदर जो कुछ ना कुछ इनकी प्रॉब्लम है, यानी कि क्लच का काम आपको कराना पड़ेगा, इंजन ऑयल चेंज होगा, और ये एस्टिमेटिव RFC क्या है ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है। और इसके बाद में आप, पहली बात तो आपको पता लग गया, यहीं पर पता लग गया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि भैया मेरी गाड़ी अगर मैं ये लेता हूं तो इसके अंदर मुझे क्या काम कराना है, आपको एक एस्टिमेटेड खर्चा दोस्तों यहां पर पता लग जाता है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों टायर्स की, तो यहां पर भी आप टिक करेंगे तो यहां पर भी आपको पता लग जाता है कि बोनट और हुड है
उस पर स्क्रैचेस हैं, डेंट पड़ा हुआ है, रूफ पर भी डेंट है दोस्तों, डिग्गी पर भी डेंट है, और जो उसका क्वार्टर पैनल है वो भी डेंटेड है और फेंडर भी डेंटेड है, यानी कि पूरी गाड़ी यार डेंटेड है और कहीं ना कहीं तो हर जगह से मारी हुई है। तो यहाँ आपको बिना कहीं जाए बिना गाड़ी देखे ही आपको पता लग गया है। साथ में बता दूं पिलर एप्रन और बूट फ्लोर वो बिल्कुल ठीक है, और डोर्स की बात करें तो दोस्तों डोर्स भी जो है स्क्रैच और डेंटेड है। टायर की बात करें तो यहाँ टायर्स भी लिखे हुए हैं कि गाड़ी के टायर्स कितने हैं, वो लिखे हुए हैं 22 से 38% के आसपास जो है गाड़ी के टायर, और स्पेयर टायर भी तकरीबन 53 से 70% के आसपास है। और वहीं बात कर ले फ्रंट टायर की, एक तरफ का टायर यानी 6 से 22% के आसपास का, यानी कि आपको टायर का भी दोस्तों पता लग गया। और उसके अलग अगर हम दूसरी भी बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पर आपको एयर कंडीशन 5 स्टार दिखा रहा है, लेकिन अगर स्टेरिंग सस्पेंशन की बात करते तो आप देख सकते हैं आपको सस्पेंशन का भी काम कराना पड़ेगा, और साथ में एस्टिमेटेड RFC यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा। सस्पेंशन में दोस्तों यहाँ लिखा भी हुआ है अबनॉर्मल नॉइज, यानी कि सस्पेंशन का काम इस गाड़ी के अंदर 100% है। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी गाड़ी जो आप लेना चाहते हो उसको बिना कुछ करे ही, यानी कि बिना उसको देखे ही आप यहाँ से पूरी डिटेल्स जो है दोस्तों उस गाड़ी की निकाल सकते हैं, और उसके बाद में अपना मन बना सकते हैं हाँ भाई कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम कोई दूसरी गाड़ी भी देख लेते हैं, चलिए मान लीजिए आप स्विफ्ट को देख लेते हैं, तो स्विफ्ट को भी अगर आप टिक करेंगे तो आपके पास में नीचे जो ऑप्शन है दोस्तों ये मिल जाएगा कि पेट्रोल गाड़ी है क्या है किस तरीके से है, और यहां पर भी दोस्तों पता लग रहा है कि गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। जैसे इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में भी इंजन साउंड है टैपिड नॉइज, यानी कि टैपिड नॉइज है दोस्तों, तो इसका इंजन का जो इसको बोलते हैं हेड का काम है वो 100% इसके अंदर होगा। अगर टैपिड नॉइज है तो वहां का काम जो दोस्तों इसके अंदर होना ही होना है। और दूसरी बात कर ले तो दोस्तों इसके अंदर और कोई काम नहीं है एस्टिमेटेड RFC, मतलब छोटा मोटा काम जो होगा शायद वो होगा इस गाड़ी के अंदर। बस इस तरह से दोस्तों आपको दिखाया मैंने कि कौन सी अगर आप लेना चाहें तो आप उसको घर बैठे बैठे किस तरीके से जो है दोस्तों चेक कर सकते हैं। फिलहाल गाड़ी ये है, मैंने आपको दिखा दी। तो दोस्तों आ जाते हैं अपनी मेन स्क्रीन पर, और किस तरीके से ये जो एप्लीकेशन वो काम करती है आपने देख लिया, बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है दोस्तों, और इसको काम करने से दोस्तों ये बनता है कि हाँ, ये जरूर बता दूं दोस्तों, इसको साइड में रख देते हैं फोन को अपने, कि जब कभी आप गाड़ी लें तो जरूर से जरूर इन चीजों का ध्यान रखें। अगर ये तो मोबाइल एप्लीकेशन पर दोस्तों बताया गया है कि आपको गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम है, आपकी गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने कार मैकेनिक को गाड़ी जरूर दिखाएं, और कोई भी गाड़ी हो उसको प्रॉपरली चेक करके लिए, क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ियां दोस्तों तभी बिकती हैं जब वो काम मांगना शुरू कर देती हैं। वीडियो कैसी लगी, और अगर लगता है नई पुरानी गाड़ी खरीदने के वक्त आपको ये गाड़ी जो है ये एप्लीकेशन काम कर सकती है, हेल्प कर सकती है, तो भाई फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। आप सभी के प्यार के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।